नमस्कार दोस्तों, और अपने इस चैनल द इंग्लिश क्लब में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बातें करने वाले हैं एक और इंडियन ऑथर को, जिनका इंग्लिश लिटरेचर में काफी बड़ा योगदान है। और मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये मेरा इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का ये पार्ट 4 है। इसके पहले हम लोगों ने कई सारे ऑथर्स को, तीन बड़े नाम्स को हमने डिस्कस किया, आर्यन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, मुल्क राजानंद, आर के नारायणा। और आज मैं एक ऐसे फिल्म राइटर की बात करने वाला हूं जिनको दो भाषाओं पर मैं कहूं तो काफी अच्छी पकड़ थी, शब्दों का ऐसी पकड़ कि आपको इनकी वर्क के थ्रू आप जानेंगे कि इनकी भाषा पर कितनी अच्छी पकड़ थी, कमांडेड थी। और ये जाने जाती है खासकर महिलाओं की जो सेक्सुअल लाइफ होती है इस पर अपनी क्लियर कट ओपिनियन प्रेजेंट किया करती थी। तो ऐसे ही फीमेल राइटर जिनका नाम है कमला दास। तो आइए दोस्तों, इनकी बायोग्राफी को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इनका जन्म हुआ 1934 में मार्च 31 1934 ईस्वी को केरला इंडिया में। हम लोग को पता है साउथ इंडिया का काफी एजुकेटेड का शिक्षित राज्य, और वहीं पर इनका जन्म हुआ। और जन्म भी दोस्तों एक ऐसे फैमिली में हुआ जो पूरी तरह से लिटरेचर का लवर हो। इनकी मदर खुद ग्रैंड मदर दोनों ही मलयालम की जाने माने राइटर्स थी, और उसी घर में कमला दास का जन्म हुआ। तो आप समझ सकते हैं जिनकी मदर ग्रैंड मदर, ये ऐसा लगता है कि जो पोएट्री हो, जो लिटरेचर हो, जो राइटिंग्स हो, इनके जीन बाय जीन ट्रांसफर किया गया है। तो पेट्री इनके गुण में थी, ब्लड में थी। और हम जानेंगे ये हैं कौन। सबसे पहले 31 मार्च 1934 को केरला में जन्म हुआ, और 2009 पुणे महाराष्ट्र में ये दुनिया को अलविदा कह गई। चलिए बीच की कहानी को जानते हैं। जाने माने पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर ये है दोस्तों। और मैं बता दूं इनकी, जिसको मैं बता रहा था, दो भाषाएं और कौन कौन सी है। एक तो दोस्तों इंग्लिश है और दूसरा मलयालम। मलयालम और इंग्लिश लिटरेचर में इनको इक्वली रिस्पेक्टेबल स्थान मिला है। भाई इन्होंने जो अपना स्थान कायम रखा है इन दो भाषाओं के, खासकर साहित्य के क्षेत्र में, हम इनके योगदान को, कंट्रीब्यूशन को नहीं भुला सकते हैं। इक्वली कमांडेड था। और कहा जाता है एक इंपॉर्टेंट सवाल यहीं से शुरू होगा दोस्तों हम लोगों का, खासकर के ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कमला सुराया इनका रियल नाम था दोस्तों। और इनको पॉपुलरली हम जाने जाते हैं माधवी गुट्टी के नाम से। माधवी गुट्टी इनका जो नाम था, माधवी गुट्टी ये इनका पेन नेम है, रियल नाम था कमला सुराया। और बाद में जब इनकी शादी इन्होंने हुई और जब वो इंग्लिश भाषा में लिटरेचर लिखना शुरू किए, तो इंग्लिश भाषा में एक और नाम से लिखा करते थे, जिस नाम जो नाम है वो है कमला दास। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट कहानी है, यानी कि जो रियल नाम था उनका मलयालम में कमला सुराया, ठीक है, पेन नेम माधवी गुट्टी, और जब इंग्लिश साहित्य में वो लिखने लगी आफ्टर मैरिज, तो इनका नाम पड़ गया कमला दास दोस्तों, जिसके लिए जानी जाती है। मैंने जैसा कि आपको डिस्कस किया, नोन फॉर ओपन डिस्कशन ऑफ विमेन सेक्सुअल लाइफ, महिलाओं की जो सेक्स संबंधित जो लाइफ थी इस पर खुलकर ओपनली क्लियर कट जिसको ओपिनियन कहते हैं, वो अपनी व्यूज, आइडियाज, ओपिनियंस प्रकट किया करती थी। तो कुल मिलाकर के इसकी वजह से ये काफी कंट्रोवर्सियल भी रही है इनकी लाइफ, और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इनकी एक बायोग्राफी थी दोस्तों, इतने कथा मलयालम वर्जन है, इतने कथा। यदि हम इसको इंग्लिश रूपांतर करके देखें दोस्तों, तो इसका मतलब होगा इंग्लिश में माय स्टोरी। इतने कथा को अंग्रेजी वर्जन में हम देखें तो माय स्टोरी। और ये जो पब्लिश हुई थी 1976, काफी इंपॉर्टेंट है उस बायोग्राफी वर्स इतने कथा। तो आप मेंशन करेंगे कमला दास, कमला दास के बायोग्राफी का नाम इतने कथा मलयालम वर्जन में है, इंग्लिश वर्जन कहेंगे तो माय स्टोरी, पब्लिश हुई थी 1976 में। दोस्तों जब ये नॉवेल पब्लिश हुई थी तो पब्लिश के साथ सोसाइटी में काफी हलचल
पैदा हो गई थी, क्योंकि ये महिलाओं के सेक्सुअल लाइफ्स को ओपन बातें किया करते थे उस समय, जब हमारे देश में काफी पैट्रियार्की रहा करते थे, महिलाओं का कोई दबदबा नहीं था, और वैसे सोसाइटी में सेक्स जैसे टॉपिक्स पे ओपन बात करना कहीं ना कहीं काफी इनके लिए चैलेंजिंग टास्क रहा होगा, एक डिफिकल्ट टास्क रहा होगा, और उस चीज को अपनी स्टोरी में, और ये स्टोरी माय स्टोरी जो इनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल है, आत्मकथा है, उसमें खुलकर बना करते थे। तो कहा जाता है कि समाज में इसके लिए काफी हलचल पैदा हुई, काफी इनको इसके लिए काफी इनको क्रिटिसाइज भी झेलना पड़ा, लेकिन देखा जाए तो भाई इसके अलावा भी इनकी लेखनी में वो जादू थी कि भाई कमला दास को नोबेल प्राइज के लिए भी इनको लिस्टेड किया गया था। तो कहीं ना कहीं बड़ी चीजें हैं, नोबेल प्राइज के लिए जब शॉर्ट नाम लिस्टेड किया गया है, निश्चित तौर पर इनकी राइटिंग में कुछ ऐसी चीजें होगी जो एक वीमेन्स की जो लाइफ का जो रियल जेन्युइन प्रॉब्लम्स है उस चीज को बयां करती है, और सच्चाई मोस्ट ऑफ इट बिटर ही होती है, कड़वी ही होती है, समाज चाहे इसको जो भी करे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, लिस्टेड फॉर नोबेल पीस प्राइज इन लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज के लिए इनको लिस्टेड किया, दुर्भाग्य हम कहेंगे ये प्राइज से इनको वंचित रही, ये रिसीव नहीं कर पाई, इनको नहीं दिया गया। और हम जहां तक बात कर रहे हैं इनकी इंपॉर्टेंट स्वर की, तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जो सबसे पहला है समर इन कलकत्ता, समर इन कलकत्ता 1963 में ये पब्लिश हुई है, ये वर्क, ये है पोएट्रिक कलेक्शन, कई सारे इसमें पोएट्री पोएम्स का कलेक्शन से नाम याद रखेंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है समर इन कलकत्ता, पब्लिश 1963 पोएट्रिक कलेक्शन है। बात कर रहे साइलेंस की तो 1964 में, और यह वह बुक है सारे दोस्तों जो उन हल्के लिए एक बड़ी उपलब्धि लेकर आई, और यह वर्क था ऑल एशियन पोएट्री प्राइज। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी राइटर है, और इनको 96 ये जो बुक थी साइडन जिसको 1964 में पब्लिश किया गया, इनके लिए खाते में एक बढ़िया सा अवार्ड लेकर आया है, वह है एशियन पोएट्री अवार्ड। आप समझ सकते हैं दोस्तों इनकी अनुवर्ग की बात कर रहे हैं तो डिसेंडेंट्स को, डिसेंडेंट्स आपको नहीं भूलना, 1967 में द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, इसमें आगे था अदर पोएम्स 1973 में लिखी गई, ये काफी फेमस है दोस्तों वर्क, और इसमें हम लोगों ने कमला दास की फेमस पोएट्री है माय ग्रैंड मदर हाउस नाम से एक टाइटल है, जहां पर वो अपनी दादी मां के घर को कैसे मिस करती है इन स्पाइट she was living with her husband in a big city, despite of that she was missing most her mother's house. तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है ये काफी वर्क इंपॉर्टेंट है, द ओल्ड प्ले हाउस इस सीरीज में हमको देखने को मिला, माय ग्रैंड मदर हाउस पोएट्री है कमला दास की। आगे बात कर लेंगे इनकी वर्क को तो द अन्ना मेटर पोएम्स 1985, यस कमला 2001। और दोस्तों कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड जुड़ी ये बात थी कि ये नियर अबाउट 62-65 के एज में, अर्थात 1999 ईस्वी में ये पहले हिंदू थी, और ये अपने धर्म परिवर्तन करने के बाद 1999 ईस्वी में ये मुस्लिम बन गई, कहीं इनको एक सांसद से लव अफेयर था, और इनके कहने पर कि मैं आपसे शादी करूंगा, कमला दास ने अपनी धर्म को परिवर्तन कर लिया, और जब ये धर्म परिवर्तन कर लेती है तो जो इनका जिनके साथ अफेयर चल रहा था है वो शादी करने से इनकार कर देता है, फिर उन्होंने जब वो इनकार कर देता है तो फिर से ये हिंदू धर्म को क्या कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। लोगों का यहाँ पर काफी कंट्रोवर्शियल क्रिटिसाइज जरूर इनको पढ़ते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम ऐसा लगता है कमला दास ने धर्म एक खेल है, जब चाहे हिंदू से मुस्लिम बन गए, मुस्लिम से फिर हिंदू बन गए, ये कोई खेल नहीं है, इसके लिए इनको काफी क्रिटिसाइज करना पड़ा। अंत में होता क्या है फिर आगे हम लोग देखेंगे, तो आगे हम पहले वर्क की बात करेंगे तो फिर यहाँ पर हम लोग काटेंगे यस सलाम 2001, और एक इंपॉर्टेंट वर्क है सिलेक्शंस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम कमला दास, ये दोस्तों वर्क का ही नाम है, सिलेक्शन फ्रॉम कमला दास 1996 में पब्लिश हुई, ये इनकी वर्क है कलेक्शन ऑफ पोएम, और एनकाउंटरिंग कमला 2007 एक लेटेस्ट इनकी वर्क है जो दोस्तों 2007 में। तो काफी कुछ जानने को मिला साइलेंस, द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, देन द मेटल पोएम्स,
यस यल्ला सिलेक्शन फ्रॉम कमला दास एंड इनकार्ड टू कमला 2007 तो किनकी लेटेस्ट है क्योंकि देख रहे हैं दोस्तों 2009 में पुणे में वो दुनिया को विदा कर गए। दोस्तों बातें हम कर ले, इनकी अभी ग्रेटनेस यहीं पर खत्म नहीं हुई है, इनके लिए बहुत बड़ी बड़ी अवार्ड हमें देखने को मिलेंगे। ओनली द सेंट नोज हाउ टू सिंग एक काफी इंपॉर्टेंट वर्क याद रखिए दोस्तों, ओनली द सेंट नोज हाउ टू सिंग 1996 लिखनी अभी खत्म नहीं हुई है। और हद हो गया 2009 में जब वो दुनिया को अलविदा कर रहे थे वर्ल्ड की फेमस मैगजीन्स द टाइम ने कमला दास को एक बहुत बड़ी उपाधि दे डाली, टाइटल दे डाली और उन्होंने कहा द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री कमला दास, यदि आधुनिक पोएट्री का आदि कोई जन्मदाता है खासकर फीमेल राइटर्स में तो कोई और नाम नहीं है दोस्तों, वो है कमला दास। और ऐसे भी हम बात कर ले कि फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री तो निजी मिक्सिल का याद नाम याद रखना है, फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री निजी मिक्सिल, मैं आपको कहीं पर लिख देता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो सवाल आपको रटकर ही जाना है इस वीडियो से, निजी को दोस्तों फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है इन इंडिया, और जहां तक मदर की बात कर ली जाए तो वो थी हमारी कमला दास। और हम यहां पर देख सकते हैं कहीं ना कहीं 2009 में ही कमला दास को टॉप 100 वर्ल्ड फेमस राइटर्स में भी इनको जगह दी गई थी। तो दोस्तों ये कोई साधारण खेल नहीं है, राइटिंग में ताकत थी, वो जादू थी इनके, शब्दों पर पकड़ थे, तभी एक से एक अवार्ड देखने को हमें इनको मिले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर से थोड़ी सी बातें मैं कर रहा हूं, नन फॉर हिज सेक्सुअल एडवेंचर्स इन हर राइटिंग्स, आई अपनी राइटिंग में जहां तक मैंने डिस्कस किया गया सेक्सुअल पर खुलकर बातें किया करते थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान कर डाला फॉर हर, खास करके कमला दास, ऐसा लगता है जो कमला दास थी इनकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा नहीं थी, वो अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन इनको नहीं मिला था। ये कहती है फॉर हर खुद के लिए लव हार्डली गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट, इनका मानना था कि लव का मुश्किल से यदि कोई मीनिंग निकाला तो लव का जो मीनिंग है वो हार्डली सेक्स और लस्ट से ऊपर उठ पाता है, मीन्स लव तो जो मोटो होता है लोगों को फिजिकली अटैच होना अगले से अपने से ऑपोजिट से। तो ये कमला दास ऐसे ऐसी बातें कहती हैं, कंट्रोवर्सियल है आपको लगेगा, ताकि इनको क्रिटिसाइज ना करना, मैं बार बार इस चीज को बता रही हूँ। और एक चीज और इंपॉर्टेंट बातें मैं बताता हूँ, कमला दास जो भी वर्क लिखा करती थी इनकी टोन की बात कर ली जाए तो जो कमला दास की टोन हुआ करती थी वो ऑटोबायोग्राफिकल होती थी, खुद की जिंदगी को ज्यादा प्रायोरिटी की दिया करती थी। और कहा जाता था ऑटोबायोग्राफर के साथ साथ उनका थीम होता था उनके वर्क का लव ऑफ ए लोनली हार्टेड लव विद नेवर एंडिंग पैशन प्लस ग्रीड एंड हंगर दैट नेवर सैचिएट। और दोस्तों ये तो कॉमन सी चीजें हैं, इंसान को कितना भी प्यार किया जाए तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती है, लस्ट ग्रीड ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं कि व्हाटएवर और मींस हाउएवर गेट यू नेवर गेट सैटिस्फेक्शन। ऐसे भी वी नो द डिजायर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय विमेन्स गोल्ड्स एंड एम्बल्स, जो एक इंसान की इच्छाएं हैं उसे विमेन से फुलफिल नहीं किया जा सकता, कितना भी दम दौलत दे दी जाए उससे नहीं किया जा सकता, कितने भी एनिमल्स मींस प्रॉपर्टी दी जाए तो भी नहीं फुलफिल किया जा सकता। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट इंट्रोडक्शन शॉर्ट बायोग्राफी हिंदी के सॉरी इंग्लिश के एक जाने वाले राइटर कमला दास की। तो दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि आपका लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी, और हर बार की बात ही मैं कहता हूँ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क इनका काफी इंपॉर्टेंट है, हम उम्मीद करेंगे कि आप नोट कर लिए होंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और नए इंडियन राइटर्स के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।